सात एक साल का बच्चा था, ये घूमने गए थे छोटे छोटे बच्चे, बारिश हुई थी रात को, पानी का भराव हो रहा था जंगल में, ये बच्चे का पैर पट के एक जगह जहाँ पर खड्डा हुआ था पड़ा था वहाँ पर चला गया। काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद ढूंढा और बच्चे की नाजुक स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि बारिश के मौसम में अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल करें, कोई इस तरीके से किसी की जान ना जा पाए, सभी अपना केयर करें अपने बच्चों की। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है जी। ये नहाने के लिए आए, यहाँ गड्ढा खुदा हुआ था और तकरीबन हमें तो कम से कम आधा घंटा बाद पता लगा है, फिर हम 10-20 आदमी इसमें कूदे हैं, सरपंच भी हमारे साथ है, जो मौजूदा सरपंच है वो भी इसमें अंदर पानी में था, हमने सारे ने इकट्ठा ढूंढाए तब जार कम से कम 1-1.5 घंटा में मिला है। मिलकर सबने सहयोग करा है? हाँ, पूरे अड़ोस पड़ोस की सारी बस्ती आ गई थी यहाँ पे, सब ने मिलकर ढूंढाए, जब निकाला है बड़ी मुश्किल से मिला है, लड़का तो मर गया। ये लड़के का नाम का तो पता नहीं है, पर सलीम का लड़का था, अकबर का नाम सलीम का है, अकबर को बता रहा है ना, सलीम का। ये दो बच्चे आए थे जिसमें से एक लड़का है जो वो बच गया है, ये इसमें पानी में ढिगी टूटी इसमें गिर गया है और इसमें इसकी मौत हो गई। कम से कम 10 फुट गहराई का गड्ढा है ये और इसमें पब्लिक के सहयोग से मतलब ये दिखाड़ा है और अकबर का लड़का है ये, टिक्कड़बासियान का, लेकिन ये करीब इसकी मेरे ख्याल से उम्र 5-6 साल की है और ईदगाह पे गड्ढा है तो इसमें मतलब ढिगी पे खड़ा हुआ है ये, इसमें टूट के ढिगी और इसमें गिर गया, इसकी मौत हो गई बेचारे। तो इसमें जितने भी पब्लिक ने सहयोग करा है लेकिन इसमें जब मरा लिखा है इसमें, और अकबर का लड़का है ये।